हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस व्लॉग विद हैप्पी शर्मा। आज फिर हैप्पी शर्मा एक ऐसी वीडियो लेकर आया है जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, आपके फेस में स्माइल बनी रह सकती है। सो, आज मैं आपको एक एडवाइस देने आया हूँ, एक ऐसी सलाह देने आया हूँ, तो अगर ये सलाह आप मानेंगे तो आपके वारे नियारे हो जाएंगे और आपकी लाइफ से दुख दर्द और फालतू की टेंशन वेंशन सब ख़त्म हो जाएगा। सो, आपको मैं मेन टॉपिक आज का मेरा है, किन लोगों को हमें माफ़ कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई अच्छे बुरे, सुबह शाम, मतलब पूरे दिन में, पूरी लाइफ में हमें मिलते रहते हैं अच्छे बुरे लोग, लेकिन हमें समझ नहीं आता किसको हमें अपनी लाइफ में रखना चाहिए और किसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको यही आज बताने आया हूँ, किन लोगों को आपको कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए, उनको सेकंड चांस कभी भी नहीं देना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, माफ़ करो और मिलजुल के रहो और प्यार से रहो, उसी में सबकी भलाई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर आप माफ़ करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में दुख दर्द परेशानियाँ का आप वेलकम करेंगे। इसलिए जो मैं बताना है उसको आप ध्यान से प्लीज़ सुनिए और मेरी बातों को आप मानिए ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे, आपके फेस में स्माइल रहे। क्योंकि मेरी लाइफ का यही मकसद है कि लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाना, उनको सही राह दिखाना। सो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको किन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर एक इंसान वो सेम गलती बार बार करते जा रहा है और आपके लाख समझाने पर, आपके लाख रिक्वेस्ट करने पर, आपके लाख गिड़गिड़ाने पर भी वो बंदा सेम मिस्टेक कर देता, चाहे फिर सुधरता था, सॉरी बोल देता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सेम मिस्टेक अगर वो कर देता है और इससे आप दोनों का रिश्ता ख़राब होता है और आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, मतलब आप लोगों की लाइफ में कलेश सा हो जाता है एक दूसरे के, मतलब वो भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब। अगर सेम मिस्टेक अगर एक इंसान करते जा रहा है और वो सुधर नहीं रहा है, वो सेम मिस्टेक कर रहा है, इसका मतलब वो सुधरना चाहता ही नहीं है। अगर वो बंदा आपके लाख मना करने पर भी सेम मिस्टेक कर रहा है तो इसका मतलब वो सुधरना चाहता ही नहीं है। और वो सुधरना नहीं चाहता मतलब, अगर कोई बंदा सुधरना नहीं चाह रहा है इसका मतलब वो आप उसके लिए मैटर नहीं करते। अगर हमारे लिए कोई बंदा या बंदी कोई मैटर करता है, कोई इंसान हमारे लिए मैटर करता है, हम उसके लिए सुधरना चाहेंगे। अगर वो चीज़ को पसंद नहीं है, वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो बंदा या बंदी हमारे लिए मैटर नहीं करते तो हम बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। हमें लगता है हम परफेक्ट, तो हम इसलिए हमें चेंज नहीं करें। इसलिए आपको समझ जाना चाहिए, वो बंदा आपके लाख कहने पर भी अपनी गलतियाँ नहीं सुधार रहा, खुद को चेंज नहीं कर रहा, वही हरकतें बार बार कर रहा है, तो आप उसके लिए मैटर नहीं करते। सो, इसलिए उस इंसान को कभी दोबारा माफ़ मत करिए, उस लाइफ से टाटा बाय बाय करिए, इसी में आपकी भलाई है। अगर आप उसे माफ़ कर देंगे, आप फिर चांस देंगे, वो फिर नहीं सुधरेगा, क्योंकि फितरत ऐसी हो गई है और वो आपकी, आप उसके लिए मैटर करते ही नहीं है। आप चांस दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी में दुख का वेलकम करते रहेंगे, टेंशनों का वेलकम करते रहेंगे, सुख ही तो रह ही नहीं पाएंगे कि वो इंसान वही मिस्टेक करेगा, आप फिर लड़ाई करेंगे और फिर दिक्कत आएगी और लड़ाई आओगी, कलेश होगा, ये सब चीज़ें होगी। इसलिए उस इंसान को, अगर वो इंसान बार बार सेम मिस्टेक कर रहा है, तो आप उसको जल्दी से टाटा बाय बाय करके आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस का वेलकम करिए और उसको बाय बाय करिए। और मेरी सेकंड एडवाइस आपको यही है, अगर कोई इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है, चाहे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, फिज़िकली कर रहा है, अगर वो करते जा रहा है आपको, तो उस इंसान को कभी माफ़ मत करिए। अगर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, बार बार टॉर्चर कर रहा है आपको, आपको हर्ट कर रहा है, आपको दुख पहुँचा रहा है, आपके सेंटिमेंट्स की उसको कोई भी कदर नहीं है, तो उस इंसान को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मत रखिए। उस इंसान को टाटा बाय बाय करिए और हैप्पीनेस का वेलकम करिए। और मेरी तीसरी एडवाइस तो यही है, अगर किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये सब करने के बावजूद भी वो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को बस बोलो आप अति हो गई, ख़त्म हो गया सब, टाटा बाय बाय कर दिए। अगर इतना करने के बावजूद भी, इतना वैल्यू देने के बावजूद सेम चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो उसको लाइफ में रखने का क्या फ़ायदा? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको अलग तो हो नहीं है, क्योंकि जो अभी तक उसने आपको वैल्यू नहीं दिया तो बाद में देगा क्या गारंटी है देगा। सो, इसलिए उस इंसान को टाटा बाय बाय करिए और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस का वेलकम करिए। अब मेरी फोर्थ एडवाइस, अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा आपकी पोस्ट का या आपका कोई फ़ायदा उठाया जा रहा है, बार बार फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए आपके साथ है कि आप इस दर्जा है आपका सोसाइटी में या आपकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बंदा आपके साथ है,
तो उस इंसान को टाटा बाय करिए, वो आपके कभी काम ही नहीं आएगा, वो सिर्फ आपके साथ फ़ायदे के लिए है। अगर कोई आपके हद से फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको यूज़ कर रहा है हद से ज़्यादा, नोटिस करिए। अगर वो आपको बहुत यूज़ कर रहा है किसी भी तरीके से, बार बार यूज़ कर रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है, तो वो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ में आया है, ना कि आपको कोई वैल्यू देने के लिए, आपको कोई अच्छा रिश्ता जोड़ने के लिए या आपका साथ निभाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो फ़ायदा उठा रहा है तो लाइफ में फ़ायदा ही उठाएगा। सो ऐसे इंसान को टाटा बाय बाय करिए और हैप्पीनेस का वेलकम करिए। और मेरी फिफ्थ एडवाइस आपको यही है कि अगर कोई इंसान आपका पब्लिकली मतलब आपकी इमेज ख़राब कर रहा है, आपकी रेपुटेशन बहुत ख़राब कर रहा है, आपका करेक्टर गिरा रहा है, आपको पता चल गया कि इंसान ऐसे पब्लिकली कर रहा है आपके लिए, सो ऐसे इंसान को बिल्कुल भी माफ़ मत करिए जो ऐसे कर रहा है आपके पीछे। इसका मतलब आपका सगा है ही नहीं, ना सगा बन सकता है, क्योंकि जो हमारे सगे होते हैं हम उसकी कभी भी इमेज कभी भी ख़राब नहीं करते हैं, ना किसी अपने के सामने ना किसी पराए के सामने। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो वो आपका अपना नहीं है। ऐसे इंसान को जल्दी से टाटा बाय बाय करिए और कभी भी माफ़ मत करिए और हैप्पीनेस का वेलकम करिए। और मेरी सिक्स एडवाइस आपको सिर्फ यही है कि अगर कोई इंसान आपसे आपके अपनों को दूर कर रहा है, बस वो चाह रहा है कि आप ही उसके साथ है, बाकी इंसान को दूर करते जा रहा है, आपके रिश्ते तोड़वा रहा है, तो आप समझ जाइए वो इंसान कभी भी आपका अपना नहीं, क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा तो आपके अपनों से भी प्यार करेगा। अगर कोई बंदा सिर्फ आपसे आपके अपनों को दूर कर रहा है, उस इंसान को अपनी लाइफ में मत रहने दीजिए, उसको टाटा बाय बाय करिए, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है। और मेरी लास्ट एडवाइस भी यही है, और मेन एडवाइस ये चीज़ आपको हमेशा नोटिस करनी है, अगर कोई इंसान जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहते हो उसकी हेल्प करने के लिए, कभी भी उसकी ज़रूरत है आप उसके लिए हाजिर हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत है वो बंदा गायब है, उस बंदे के पास आपके लिए हेल्प करने के लिए कभी भी टाइम नहीं है, बस उस बंदे के पास आपके लिए एक्सक्यूजेस है कि उस बंदे का एक्सक्यूज मिलेगा, वो एक्सक्यूज़ देगा और माफ़ी मांग लेगा। आप नोटिस करिए उस बंदे के पास अगर आपके लिए सिर्फ एक्सक्यूजेस है तो वो बंदा आपका सगा नहीं है। उस बंदे को जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से रवाना करिए, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है। उस बंदे को जल्दी से अपनी लाइफ से रवाना करिए और हैप्पीनेस का वेलकम करिए। सो गाइज, मैंने आपको ये 6-7 मैंने कुछ एडवाइस दिया, क्लू दिया, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप 100% गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। और ये फालतू की टेंशन है जो इंसान के थ्रू आपको मिलती है तो वो बिल्कुल ही निकल जाएगी। और ऐसे इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में मत आने दीजिए, ना माफ़ करिए। माफ़ करेंगे तो आप ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। अगर आप रोना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें इंसान के साथ आप देख रहे हैं, जो जो चीज़ मैंने बताई है उसके बावजूद भी आप इंसान को माफ़ कर रहे हैं, उसको सेकंड चांस दे रहे हैं, तो आप कभी हैप्पी नहीं रह सकते। तो आपकी लाइफ में दिक्कतें रहेगी, कलेश रहेगा, रोते रहोगे, इसलिए उस इंसान को भी माफ़ मत करिए, टाटा बाय बाय करिए। आप टाटा बाय बाय करेंगे, उसे लाइफ से निकाल लेंगे, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। आप ये चीज़ करके देखिए, आप खुद मुझे मैसेज करके, आप मुझे कमेंट करके, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने आपकी लाइफ बदल दी है। सो आज का मेरा मकसद सिर्फ इतना था, आपको एक अच्छी एडवाइस देना। सो आज वो पूरा होगा, आप प्लीज़ इसको आप मानिए अगर अपनी आप भलाई चाहते हैं। सो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो जिससे आपके फेस में स्माइल आएगी और आपको भी सही राह नज़र आएगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। अगर आप लोग भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।